अगर आप भी इंतज़ार करें इंटर के स्कूटनी का रिजल्ट का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों हम बता दें, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट सर्च मार रहे हैं यूट्यूब पे कि इंटर का स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक का स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन फिर भी हम बता चुके हैं अभी नहीं आने वाला है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पर वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हैं लिंक दे दे रहे हैं, और नहीं तो क्या वीडियो में ही बता दे रहे हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। वो अपने ही वेबसाइट का लिंक दे दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी जाकर चेक हो नहीं रहे। तो हम बताएंगे दोस्तों आप कैसे जान सकते हैं कि अभी उसका प्रोसेस क्या हुआ है। तो उसके लिए आप ट्विटर खोल लेंगे, तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। ट्विटर ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च बॉक्स में हम इसमें टाइप करेंगे बिहार बोर्ड। तो दोस्तों आ गया, हम यहाँ सर्च कर लिए। अभी यहाँ बिहार बोर्ड में देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है इंटर या मैट्रिक का स्कूटनी को लेकर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कुछ भी अपडेट होता तो यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पे सारा जानकारी दे दिया जाता है, एक दिन पहले या दो तीन घंटे पहले यहाँ पे सारा जानकारी दे दिया जाता है। हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे DELED का है, तो ये तो आपका है नहीं। हम दोस्तों यहाँ पे बता दें, यहाँ से बिहार बोर्ड का जानकारी यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों रिजल्ट अभी आने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी जो 10th का स्कूटनी का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला, 12th का भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी 10th का कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होगा 10 तारीख से 13 तारीख तक, तो उसमें दोस्तों थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है आपका रिजल्ट 15 तारीख या 15 तारीख के बाद ही आएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, और कंपार्टमेंटल का 10th का जो एग्ज़ाम होगा उसको फिर कॉपी सबमिट भी करना है बिहार बोर्ड में, तब भी थोड़ा टाइम लगेगा। और बात करें कंपार्टमेंटल के रिजल्ट की, तो वो आपके अगले महीने जून में आने वाला है।